तो गाइस आज बात करने वाले हैं वन प्लस के इस डिवाइस के बारे में, जो कि कैमरा है, कैमरा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरा क्वालिटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। चाहे वन प्लस का ये मॉडल हो या फिर इसके अलावा वन प्लस का जो भी मॉडल हो, ओके, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला है। सो आप जो है समझ जाना, क्योंकि मैं इसी जो है वीडियो से जो है फोन से आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। कैमरा क्वालिटी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं सो आपको इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर वॉच करना चाहिए एक बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फोन का जो कैमरा है बस कैमरा को आपको ओपन कर लेना है। कैमरा ओपन करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कैमरा से रिलेटेड काफी सारे ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ, इस चैनल पे मौजूद है। अगर आप नहीं देखे हैं, न्यू आए हैं तो जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको जो है इस जो है चैनल पे आपको वन प्लस से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से आ जाओगे, कैमरा ओपन करने के बाद ऊपर की ओर थ्री डॉट जो है, थ्री लाइन जो है देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, बस इस थ्री लाइन पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। सो इस तरह से आना है, सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, नीचे की ओर आना है स्लाइड करते हुए। अगर आप जो है कैमरा का पूरा सेटिंग वोटिंग काफी दिन से छेड़खानी कर रहे हैं, या फिर काफी दिन से आप जो है कैमरा का कोई भी सेटिंग वोटिंग भी नहीं किए हैं, सो इस दोनों हाल पे आपको क्या करना है, नीचे की ओर आपको देखने को मिला, देख सकते हैं रीस्टोर डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, बस रीस्टोर डिफॉल्ट पे इस तरह से आना है। रीस्टोर डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करके एक बार ऑल सेटिंग को आपको रिमूव कर देना है। जो आप सेटिंग किए थे बहुत पुराना था, कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं था, इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा चीज को आपको क्लियर कर देना है। क्लियर कर दोगे आप जो है कैमरा फिर से इस तरह से आओगे, ओपन करोगे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की ओर जो है थ्री लाइन देखने को मिला है, बस इसी थ्री लाइन पे फिर से आपको एक बार क्लिक करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आके ऊपर वाला लाइन पे यहाँ पे फुल वाला ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, बस इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका जो है फ्रेम रेट आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं फुल कैमरा पे आपको देखने को मिल रहा है। अब कोई भी फोटो लोगे तो फुल डिस्प्ले पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जिसका क्वालिटी भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन पे फिर से क्लिक करोगे, इस तरह से आओगे, यहाँ पे आओगे आपके फोन पे, यहाँ पे ऑटो HDR पे अगर आपको अनटिक किया और ना मिले, कुछ इस तरह से मिले, ओके, अगर रिस्टोर करोगे तो इस तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। एक ये सेटिंग आपको कर लेना है, दूसरा सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे जाने के बाद नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे आएगा हाई इफिशियंसी वीडियो, देख सकते हैं, इसे भी आपको ऑन कर देना है। ये दोनों सेटिंग को आपको इस तरह से ऑन कर देना है। वाटरमार्क अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वाटरमार्क भी एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर कंप्लीटली ऑलरेडी वीडियो है मौजूद। यहाँ पे ये दोनों सेटिंग कर लिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आओगे इस तरह से स्लाइड करोगे ऊपर की ओर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं AI का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप जैसे ही नॉर्मल फोटो लेते हैं, इस तरह से मैं नॉर्मल फोटो ले लिया, एक जो है यहाँ पे फोटो जो देखूंगा, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मोड पे क्लिक करके डिटेल्स में जाऊंगा, सो यहाँ पे 5.7 MB का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक तो मैं जो है यहाँ पे जो है एक HDR ये भी सेट कर दिया, एंड दूसरा जो है फुल कर दिया, एंड तीसरा जो है सेटिंग का ऑप्शन से यहाँ पे हाई एफिशिएंसी वीडियो पे इसे भी ऑन कर दिया। एंड इसके साथ साथ एक और भी आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं ऊपर की ओर AI करके, इस पे आना है, इसे आपको ऑन कर देना है। अब ऑन कर दोगे इस तरह से आपको जो है नॉर्मल जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये पूरा सेटिंग कर लिए, इसके बाद एक और आपको क्या करना है, फिल्टर यूज करना है। यहाँ पे आपको जो है फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आओगे, ओरिजिनल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाइवाइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं साइड में जो यहाँ पे जो कलर जो देखने को मिल रहा है येलो करके, ओरिजिनल पे इस तरह से आपको कलर जो है देखने को मिल रहा है। आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ओके। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिनल पे आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कलर देखने को मिल रहा है। वाइवाइट में मैं क्लिक करूंगा, आपके सामने देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी पे यहाँ पे कलर जो है आ गया है। यहाँ पे ये कर दिए, उसके बाद जो है अगर आप कोई और फिल्टर यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से ये सभी फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट रहता है वाइवाइट का। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करिए। अब जो है यहाँ पे मैं एक फोटो लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा। अब फोटो का जो है कितना MB लिया नहीं लिया, कितना क्वालिटी क्या है, वो यहाँ पे डिटेल्स पे जाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6 MB का आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले कितना था, कम MB का था, यहाँ पे अब जो है इसका MB भी ज्यादा हो गया। MB ज्यादा फोटो का इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वालिटी उस पर ज्यादा से ज्यादा आप जो है अटैच किए, इसलिए MB भी ज्यादा हो रहा है। सो इसी तरह से आपको भी फुल सेटिंग कर लेना है, फ्रंट वाला फोटो हो गया या फिर बैक साइड वाला फोटो हो गया, इसी तरह से पूरा फिल्टर उल्टर आपको एडजस्ट कर लेना है। अगर आप वीडियो के लिए चाहते हैं, वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फिल्टर आप जो है देख सकते हैं कौन सा आपको चाहिए फिल्टर। नेचुरल पे ये देखने को मिल रहा है, एंड वाइवाइट पे ये आपको देखने को मिल रहा है दोनों। एंड कूल का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से कलर लेस हल्का सा, लेकिन वाइवाइट पे कलर आपको काफी ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है। सो गाइस इस तरह से। एंड एक और भी चीज आपको यहाँ पे जो है बता दूं, जैसे कि कोई भी फोटो आप ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट
पे आप जो है सिर्फ फोटो ले रहे हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, जिस भी फेस पे आपको फोटो लेना है उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करोगे क्या होगा कि वहां पे क्वालिटी जो है ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और साइड में हल्का सा ब्लर आपको जो है देखने को मिलेगा। यानी किसी भी इंसान का अगर आप फोटो लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो आपको क्या करना है, इसका अगर फोटो लेना है इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे हल्का सा ज्यादा आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लर जो है आपको देखने को मिल रहा है। सो ब्लर भी फोटो अगर आप यूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, सो इसी तरह से आपको ऑब्जेक्ट पे आपको टिक करना है, किसी का फेस पे आपको टिक करना है। सो जैसे ही फेस पे टिक करोगे इस तरह से वहां का जो है फेस जो है पूरा क्लियर आ जाएगा अच्छा क्वालिटी में, एंड साइड में इस तरीके से आपको ब्लर जो है देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आई होप कि आप समझ चुके हैं और आप अपने फोन पे ये सेटिंग जरूर कर लेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दूसरे के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको यहाँ पे वन प्लस रिलेटेड कुछ भी टॉपिक लेना है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो है, या फिर आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट करो, उस पर मैं वीडियो देने का पूरा कोशिश करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।